रोहतक जिले के कलानूर कस्बा में लाहली गांव के बाहर बंद पड़े ईंट भट्टे पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपित मृतका के घर से ही कुल्हाड़ी और बाइक लेकर आया था। हत्या के बाद अपने चचेरे भाई को फोन किया और कहा कि प्रदीप की पत्नी को मैंने मार डाला है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपित महिला के ससुर का भतीजा है। जिस जगह पर महिला की हत्या की गई है वहां से कुछ ही दूर पर उसका पति और ससुर खेतों में काम कर रहे थे। महिला आखिर आरोपित के साथ क्या करने गई थी या उनके बीच क्या विवाद हुआ, इन सब के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। FSL विशेषज्ञ सरोज दहिया ने भी घटना स्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका का नाम सीमा है और उसका शव घास में पड़ा हुआ मिला है। SHO से मेरे पास मोबाइल पे फोन आया कि लाड़ी से आगे एक भट्ठे पर एक लेडीज का शव मिला है और लगता है कि भाई इसकी चोट चाट से टैकी गई है। आके देखा अभी कुल्हाड़ी पड़ी हुई है जो सिर में लगी है। सिर में लगने से उसकी हत्या हुई है, बाकी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा और जो भी इसका एक्यूज है उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें।